व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी हम हैं हांगकांग में। कल हम फ्लाइट लेके आए थे बाली से यहाँ हांगकांग। बाली से पहले हमारी सिंगापुर की फ़्लाइट थी, देन सिंगापुर से हांगकांग, एंड यहाँ पहुँचते अराउंड 12 बज गए थे रात को। तो बस होटल में चेक इन किया एंड आज हमें जाना है यहाँ हांगकांग से बुलेट ट्रेन लेके शेंजन मेनलैंड चाइना। एंड जो मैंने बुलेट ट्रेन बुक कराई है वो सबसे लग्जूरियस बुलेट ट्रेन है। तो आज के व्लॉग में आपको पूरा एक्सपीरियंस दिखाता हूँ यहाँ हांगकांग से शेंजन तक का। बट अभी जा रहे हैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने, एंड जिस एरिया में हम रुके हुए हैं ये थोड़ा मतलब आप कह सकते हो कि लोकल वाला एरिया है हांगकांग का। तो यहाँ से बस लेके जाना है चिम सा चोय, जो मेन सेंटर है, वहाँ जाके कुछ नाश्ता करते हैं। फाइनली पहुँच गए हैं यहाँ चिम सा चोय वाले एरिया में। हांगकांग के दो सबसे मेन डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है कोलून एंड दूसरा है हांगकांग आइलैंड। ये जो चिम सा चोय है ये कोलून वाली साइड पे है। एंड अब कुछ ब्रेकफास्ट के लिए ढूंढ रहे हैं। वैसे हमारा हांगकांग आने का सिर्फ प्लान इसीलिए था क्योंकि हमें शेंजन जाना था। हांगकांग के ऊपर मैंने वीडियोस पहले ऑलरेडी बनाई हुई हैं, आप वो जाके देख सकते हो। Look, they have all the electronic stores there. There is DJI, Lenovo. But it's not open yet, I think, because it's too early. Yeah, what time is it? It's 10. It will open at 11, I think. एक बार DJI का स्टोर भी विजिट करना है, बट मैं सोच रहा हूँ शेंजन में विजिट कर लेंगे क्योंकि शेंजन में सारे हेड ऑफिसेज हैं। एंड ये इनकी मेन स्ट्रीट है, मॉन्गकॉक से स्टार्ट होती है, एक डिस्ट्रिक्ट है इनका मॉन्गकॉक, एंड ये विक्टोरिया हार्बर तक जाती है जहाँ से पूरी स्काईलाइन दिखती है हांगकांग की। एंड वैसे तो हम शेंजन सुबह सुबह भी जा सकते थे बट मैंने 2 बजे की बुलेट ट्रेन बुक कराई है क्योंकि मैंने सोचा ये मेन जो एरिया है ये दिखा दूँगा वेरोनिका को, क्योंकि वेरोनिका का फर्स्ट टाइम है यहाँ हांगकांग में। यू लाइक हांगकांग? Yeah, yes. The first thing you do when we arrive to Hong Kong, you make me try what? Indian food. भीड़ भाड़ तो अभी से पूरी हो गई है सुबह के 10 बजे ही। एंड वो सामने आ गया चंगकिंग मैंशन। यहाँ पे अगर आपको करेंसी चेंज करानी है, सिम कार्ड लेना है, इंडियन खाना खाना है, सब के लिए ये बेस्ट जगह है। हमें एक इंटरनेशनल अडेप्टर भी लेना है, यहाँ पे आपको बेस्ट रेट मिलेगा इस एरिया में करेंसी वगैरह चेंज कराने के लिए। तो ये एक इंटरनेशनल अडेप्टर भी लेना था। यहाँ पे ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की भी मार्केट है एंड सारी इंडियन दुकानें हैं। यहाँ पे मिठाई मिल रही है, समोसे सब मिलेगा आपको यहाँ पे। एंड यहीं चंगकिंग मैंशन में ऊपर बहुत सारे हॉस्टल्स भी हैं, अगर आप बैकपैकिंग के लिए आ रहे हो तो यहाँ रुक सकते हो। एंड ये जो मेन स्ट्रीट है इसका नाम नेथन रोड है, आप मेन शॉपिंग स्ट्रीट कह सकते हो इसे, क्योंकि सारी शॉपिंग, सारी खाने पीने की चीज़ें सारी आपको यहीं मिलेंगी। नाश्ते के लिए जा रहे हैं यहाँ दोन दोन दोंग की, ये जापान का सबसे फेमस स्टोर होता है। मैंने आपको जापान वाली सीरीज़ में बहुत बार दिखाया था। तो बेसिकली ये ग्रोसरी स्टोर होता है बट इसमें फ्रेश रेडी टू ईट मील बहुत मिल जाते हैं। एंड घुसते ही ऐसा लग रहा है जापान वापस आ गए। एंड ये पूरा सेक्शन है फ्रेश सुशी का, अगर आपको फ्रेश सुशी खानी है तो ऐसे मील्स की मैं बात कर रहा था। यहाँ पे ये रेडी टू ईट मील मिल जाते हैं पूरे, तो एक यही लेते हैं। एंड यहीं पे सीटिंग है फिर खाने के लिए, ये चिकन करी ले लेते हैं। एंड स्टोर के अंदर ही इन्होंने ऐसी सीटिंग बनाई होती है खाने के लिए। यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई हैं, चॉपस्टिक, फोर्क, माइक्रोवेव गर्म करने के लिए। मैं कुछ मीठा कर लूँगी। क्या खाऊंगी? कुछ मीठा। तो ये आ गया इनका विक्टोरिया हार्बर, यहीं पे इनका एवेन्यू ऑफ स्टार्स भी है, जैसे हॉलीवुड में वॉक ऑफ फेम है, यहाँ चाइनीज़ एक्ट्रेस के लिए इन्होंने एवेन्यू ऑफ स्टार्स बनाया हुआ है। एंड सामने पूरी स्काईलाइन। तो ये वाली साइड कोलून है एंड वो सामने जहाँ सारी बिल्डिंग्स हैं वो है हांगकांग आइलैंड। तो बस यही देखने आना था एक बार। एंड अब जा रहे हैं वापस होटल चेकआउट करना है क्योंकि ट्रेन स्टेशन भी थोड़ा जल्दी पहुँचना पड़ेगा हमें। एंड धूप भी बहुत ही तेज़ निकल गई है, मुझे लगा था कि ठंडा होगा यहाँ हांगकांग में वेदर, बट पूरी गर्मी है। आई थिंक इसीलिए होटल भी बहुत महंगे थे। जिस एरिया में मैंने होटल कराया हुआ है ये है मा ताओ वाई। पहली बार रुका हूँ किसी लोकल एरिया में हांगकांग के, क्योंकि जितनी भी बार इससे पहले मैं हांगकांग आया हूँ हमेशा मेन एरिया में रुकता था, बट इस टाइम पे इतने महंगे थे यार होटल, मैं आपको क्या बताऊँ। इस एरिया में जो सेंटर से काफ़ी दूर है, 4-star होटल मुझे 9,500 रुपये पर नाइट का मिला है। इस एरिया में होटल है एंड आप ये वाला एरिया देखो, कितनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग है, यहाँ पे ये सारे लोकल रहते होंगे। एंड ये जो आप घर देख रहे हो, वैसे जब कितने भी पुराने लग रहे हो देखने में, ये भी इतने महंगे हैं। हांगकांग में वर्ल्ड की सबसे महंगी रियल एस्टेट मार्केट है। इस एरिया से तो कौन कह सकता है कि हांगकांग एक रिच जगह है।
कूड़ा पड़ा हुआ है इतना सारा। तो ये है होटल जो मैंने कराया था एक नाइट के लिए, हार्बर प्लाजा 8 डिग्रीज, 9,500 रुपये पर नाइट में। नॉर्मल 4-स्टार होटल है। रूम भी आपको दिखा देता हूँ, हमारा रूम आप देखो, बिल्कुल ही बेसिक रूम है। एंड हांगकॉन्ग के हिसाब से तो ये रूम भी बड़ा है, वरना इतने छोटे छोटे होटल रूम होते हैं। एंड सामने वही रोड का व्यू है नीचे की। तो ठीक है यार, एक नाइट काटनी थी हमें यहाँ पे, तो बस ये पैकिंग फिनिश करते हैं एंड डायरेक्ट निकलते हैं स्टेशन के लिए। तो यहाँ हांगकॉन्ग में बुलेट ट्रेन चलती है इनके कोलून वेस्ट स्टेशन से, एंड स्टेशन तक जाने के लिए ऊबर मंगा लिया है। हांगकॉन्ग में ग्रैब नहीं चलती, यहाँ पे ऊबर चलती है या फिर जो इनकी नॉर्मल टैक्सी होती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जा सकते थे बट लगेज बहुत ज़्यादा है तो ऊबर ही मंगा ली। ऊबर में अराउंड 700-800 रुपये लगेंगे। टैक्सी कंपैरेटिवली काफ़ी महंगी है यहाँ पे, इतनी सस्ती नहीं है, सिंगापुर जैसे रेट है। हांगकॉन्ग में वैसे तो ये रस्सी लगा के फिट कर देते हैं बैग, बट इस बंदे के पास होगी नहीं तो ये आगे रख रहा है तीसरा सूटकेस। एंड टैक्सी यहाँ चलती है एकदम पुरानी, दो टाइप की टैक्सी होती है, ये लंबी वाली ये होती है, एंड एक थोड़ी एसयूवी टाइप है। हमें जाना है लेवल B1 डिपार्चर्स। एंड मैंने तो ऑनलाइन ही टिकट बुक करा ली थी बुलेट ट्रेन की, बट आप चाहो तो यहाँ आके भी ले सकते हो। हर 15 मिनट में चलती है तो ऐसा नहीं है कि आपको एडवांस में करानी ज़रूरत है। मैंने इसलिए करा ली थी क्योंकि मुझे बिजनेस क्लास करानी थी एंड वो फिर फुल हो जाती है। यहाँ चाइना की बुलेट ट्रेन में 3 क्लास होती हैं, सबसे बेसिक इकोनॉमी ऑब्वियसली, उसके बाद होती है फर्स्ट क्लास एंड देन सबसे लग्जूरियस बिजनेस क्लास। बुलेट ट्रेन में उल्टा है क्योंकि फ्लाइट में सबसे लग्जूरियस फर्स्ट क्लास होती है एंड बुलेट ट्रेन तो सिर्फ 20 मिनट की है। बिजनेस क्लास का सिर्फ ये फ़ायदा है कि आपको प्रायोरिटी चेक इन मिल जाएगा, सारी चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। तो ये है हांगकॉन्ग का कोलून वेस्ट स्टेशन एंड यहाँ से नॉर्मल एंट्रेंस है एंड हमें जाना है सामने फर्स्ट एंड बिजनेस क्लास में। एंड इवन दो मैंने ऑनलाइन टिकट बुक करा ली थी, फिर भी मुझे कोई फिजिकल टिकट एक्सचेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन बस आपको अपनी पासपोर्ट डिटेल्स डालनी होती हैं एंड अब यहाँ ये हमारा सीधा पासपोर्ट स्कैन करेंगे एंड टिकट आ जाएगी। तो काफ़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी है यहाँ चाइना में। नॉर्मल सिक्योरिटी पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है एंड ये वाला खाली पड़ा है, फर्स्ट प्रीमियम एंड बिजनेस। बस इसीलिए फ़ायदा था क्योंकि 1 घंटे बाद ट्रेन है एंड अभी हमें कस्टम क्रॉस करनी है, इमिग्रेशन क्रॉस करनी है। इट सीम्स लाइक वी आर ऑन द एयरपोर्ट, इट्स एग्जैक्टली द सेम। तो अब सिक्योरिटी के बाद पहले हांगकॉन्ग की एग्जिट स्टैंप लगेगी। वेरोनिका तो यहाँ के स्मार्ट गेट्स यूज़ कर सकती है, मुझे मैनुअल पे जाना पड़ेगा। एंड फिर जो चाइना की इमिग्रेशन है, चाइना की एंट्री है, वो भी यहीं हो जाएगी हांगकॉन्ग में ही, अलग से नहीं जाना कहीं पे। तो हांगकॉन्ग से एग्जिट हो गई है एंड अब आ गया ये हांगकॉन्ग का ड्यूटी फ्री, बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह ही है ये स्टेशन। सारी वही चीज़ें हैं, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन, सब कुछ क्रॉस करना पड़ेगा आपको क्योंकि ऑब्वियसली आप एक तरीके से दूसरी कंट्री में जा रहे हो। इवन दो हांगकॉन्ग भी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ही है चाइना का एंड अब बस चाइनीज़ इमिग्रेशन क्रॉस करनी है। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछते हैं। लास्ट बार तो इन्होंने मेरे से सिर्फ इनविटेशन लेटर मांगा था क्योंकि लास्ट बार मैं बिज़नेस वीज़ा पे आया था, बट इस बार मेरे पास टूरिस्ट वीज़ा है। एंड चाइना की इमिग्रेशन क्रॉस करने से पहले ये अराइवल कार्ड भरने हैं कि चाइना में आप कहाँ रुकोगे, कितने दिन के लिए रुकोगे। इमिग्रेशन पे सबसे इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे बट हमसे कुछ भी नहीं पूछा, मुश्किल से 2 मिनट लगे। एंड अब जा रहे हैं फाइनली बोर्ड करने, गेट नंबर 6A से जाएगी। एंड ये चीज़ बढ़िया नहीं लगी कि आप बिज़नेस क्लास में भी ट्रैवल करो तो भी बोर्डिंग के लिए आपको नॉर्मली वेट करना पड़ेगा, अब ये क्यू स्किप करके नहीं जा सकते। तो ये खड़ी राइट में बुलेट ट्रेन, 2-3 मिनट रह गए हैं एंड हमें जाना है कार नंबर 1, बिजनेस क्लास सबसे पहली कार में होती है। ये हमारी सीट 2A और 2C, सिर्फ 6 सीट है बिजनेस क्लास में। ये सारे सीट के कंट्रोल हैं, यहाँ से आप नॉर्मल कर सकते हो अगर आपको रिक्लाइन चाहिए या फिर फुल बेड। एक ये बेड टॉवल मिला है, पानी एंड स्नैक बॉक्स। एंड मोस्टली ट्रेन अंडर टनल जाती है तो बाहर का कुछ व्यू नहीं आएगा, तो सिर्फ बिजनेस क्लास में आपको खाने के लिए मिलता है, फर्स्ट क्लास में भी खाना नहीं मिलेगा। तो यार सही बताऊँ तो इस ट्रेन में बिजनेस क्लास लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, 15 मिनट लगे यहाँ पहुँचने में, जितने में बैठे इतने में तो आ ही गया। तो अगर आपकी लंबी जर्नी है बुलेट ट्रेन में तो ऑब्वियसली वर्थ इट है, बट ये 15 मिनट की राइड के लिए ठीक है, एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड अब हमें जाना है अपने होटल पहले चेक इन करने। एंड यार एक तो चाइना आते ही अब गूगल मैप्स नहीं चलेगा तो बहुत दिक्कत आती है, नॉर्मल टैक्सी लेता हूँ पहले तो, क्योंकि लगेज ज़्यादा है, लगेज एक बार रखते हैं
फिर फिगर आउट करेंगे कि कैसे एक्सप्लोर करना है। एंड यार एक चीज़ इतनी गंदी लगती है कि हमारा इंडियन पासपोर्ट कहीं स्कैन नहीं होता क्योंकि बायोमेट्रिक नहीं है। हर बार मैनुअल काउंटर पे जाओ, हमेशा एक्स्ट्रा टाइम लगता है इस चक्कर में। जापान में भी यही था एंड यहाँ चाइना में भी यही है, ना टिकट के लिए स्कैन हुआ वहाँ एंट्रेंस पे, ना यहाँ एग्जिट पे स्कैन हुआ। तो जिस स्टेशन पे हम पहुँचे हैं इसका नाम है फुतियान स्टेशन एंड अब यहाँ से टैक्सी लेते हैं पहले डायरेक्ट होटल की। एक तो मुझे सिम भी लेनी है, चाइना का सिम कार्ड नहीं है। एंड सिम मैं सोच रहा था कि एरालो से ले लूँगा ई सिम, बट सामने ये चाइना मोबाइल का स्टोर है, इनसे पूछता हूँ। तो मैंने सोचा कि यहाँ चाइना मोबाइल से सिम ले लेता हूँ, ईजी रहेगा क्योंकि यहाँ पर 5G इंटरनेट दिखा रहा था एंड एरालो पे 4G सिम थी, बट यार सिम ले तो ली। एंड उसके बाद ये बता रहे हैं कि सिर्फ चाइनीज़ ऐप्स चलेंगी यहाँ इंटरनेट पे। एंड ये जो चाइना मोबाइल वाली सिम थी इससे VPN भी नहीं कनेक्ट हो रहा था, इन्होंने VPN बैन करे हुए थे तो कुछ भी नहीं चल रहा था। तो वो सिम रिफंड करी, रिफंड करते करते इतना टाइम लग गया, इतना ज़्यादा लैंग्वेज गैप है, बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी। तो किसी तरह रिफंड करी है, अब बाद में एरालो से लूँगा होटल पहुँच के। अभी तो बस करेंसी एक्सचेंज या फिर ATM ढूंढ रहा हूँ, इतना टाइम फालतू में लग गया, 1 घंटा उसने लगा दिया सिम देने में एंड उसके बाद भी चली नहीं। एंड फुतियान स्टेशन के बिल्कुल साथ में इनका ये शॉपिंग मॉल सा है, दोनों साइड रेस्टोरेंट्स हैं। I'm so hungry and we can't even eat because we can't exchange money, we don't have internet, we don't have any other card than Visa and Mastercard and they don't take Visa and Mastercard, so I don't even know what to do. Let's find currency exchange. रेस्टोरेंट्स पे तो मुझे लग रहा था यहाँ कार्ड चल जाएगा, बट वही हुआ, वीज़ा एंड मास्टर कार्ड नहीं चलता, सिर्फ वी चैट पे, यूनियन पे एंड अली पे चल रहा है। इतनी मुश्किल से जाके मिला ये करेंसी एक्सचेंज, तो जो हांगकांग डॉलर थे वो चेंज कराए हैं, 450 हांगकांग डॉलर के 410 RMB मिले हैं। अब जाके टैक्सी लेते हैं एंड अगर कुछ खाना खाना है तो यहाँ से खाना खा लेते हैं। एंड यहाँ फुतियान स्टेशन से बाहर आते ही सारी आपको ये मॉडर्न बिल्डिंग दिखने लग जाएंगी, बहुत ही हाईटेक सिटी है शेंजन। एंड सामने ये बनाया हुआ इन्होंने टैक्सी पिकअप एरिया एंड टैक्सी सारी A to Z BYD की हैं, इलेक्ट्रिक। टैक्सी वाले को एड्रेस समझाने में 15 मिनट लग गए। I wasn't prepared for this. This I think will be the craziest place I have ever been to. तो होटल हमने बुक कराया हुआ है क्राउन प्लाजा, बट काफी सारे क्राउन प्लाजा हैं यहाँ शेंजन में, तो किसी तरह मैंने समझाया तो है बट अभी पक्का नहीं है कि हम उसी वाले पे जा रहे हैं या नहीं, पहुँच के ही पता लगेगा। एंड सिटी की फील तो बहुत ही बढ़िया है बाहर निकलते ही, आप देखो एक तो आज वेदर इतना अच्छा हुआ हुआ है। टैक्सी ड्राइवर ने पहुंचा तो दिया सही जगह, क्राउन प्लाजा, ये लैंडमार्क वाला बुक कराया हुआ है। तो होटल में फाइनली चेक इन कर लिया है एंड मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ कि हांगकांग में 9,500 रुपये नाइट में कैसा होटल रूम था एंड ये मैंने सिर्फ 6,000 रुपये नाइट का कराया है। हांगकांग से सिर्फ 15 मिनट की बुलेट ट्रेन है एंड इस रूम का आप साइज देखो, एंड ये इनका नॉर्मल रूम है बट ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर स्वीट हो एंड लोकेशन भी बहुत ही अच्छी है। ये मैंने एग्जैक्ट 5,500 रुपये नाइट का कराया था नॉर्मल वाला रूम एंड ये इन्होंने मुझे अपग्रेड दे दिया, तो अगली 2 नाइट के लिए हम यहाँ शेंजन में है। बाथरूम भी एकदम बढ़िया है, शावर, बाथटब सब कुछ है एंड व्यू देखते हैं बाहर का। ये जो होटल है ये इनके लू हो डिस्ट्रिक्ट में है एंड आपने होटल्स में बहुत चीज़ों के मेन्यू देखे होंगे बट एक स्पेशल मेन्यू आपको दिखाता हूँ, ये है पूरा पिलो मेन्यू। आप अपने हिसाब से पिलो चूज़ कर सकते हो, 4 टाइप के पिलो हैं एंड उनके बारे में लिखा हुआ है कि कौन सा पिलो किस चीज़ के लिए हेल्प करता है। तो अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं फिर निकलेंगे आराम से बाहर घूमने। तो यार वैसे तो काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे बट भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी तो हमने सोचा लंच कराते हैं, तो अब कोई रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ेगा ढंग का। एक तो कुछ भी इंग्लिश में नहीं होगा, इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ आसपास है नहीं कोई। एंड एक मैं आपको टिप दे देता हूँ, अगर आप होटल में स्टे करो तो उनका कार्ड ज़रूर रख लेना। अभी इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई थी टैक्सी वाले को समझाने में क्योंकि ये जो नाम है ये चाइनीज़ में ही उनको समझ आता है, अगर आप क्राउन प्लाजा बोलोगे तो उन्हें कुछ नहीं समझ आएगा। तो ये कार्ड रख लिया मैंने होटल का। यहाँ पे तो ये डक वगैरह मिल रही है, चलते हैं सीधा देखते हैं कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। ये रेस्टोरेंट बढ़िया सा लग रहा है सामने एंड चाइना में हर जगह ये छोटे छोटे इलेक्ट्रिक स्कूटर चल रहे होते हैं। ये सही रेस्टोरेंट मिल गया, यहाँ पे सब इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड आप किसी भी रेस्टोरेंट चले जाओ, नॉर्मल अगर फाइन डाइन रेस्टोरेंट है तो ये सबसे पहले चाइनीज़ टी सर्व कर देते हैं, ग्रीन टी चाइनीज़। पहले ये सूप सा देके गए हैं कॉम्प्लीमेंट्री, समझ नहीं आ रहा ये क्या है सूप के अंदर। खाना खा के थोड़ा अच्छा लग रहा है एंड यार ये देखो आप, हर जगह ये आपको छोटे छोटे स्कूटर दिखेंगे इलेक्ट्रिक। तो यहाँ फुटपाथ पे भी फ्रीली नहीं चल सकते, बार बार ये पीछे से स्कूटर आ जाते हैं।
एंड ये डिस्ट्रिक्ट काफ़ी लाइवली लगा मुझे, सब कुछ है आसपास, इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, शॉपिंग मॉल है, एंड बाकी जो मेन शेंज़ेन है, जो मेन चीज़ें यहाँ देखने की हैं वो एक्सप्लोर करेंगे कल से। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। आज मुझे आपको एक तो एक्सपीरियंस दिखाना था बुलेट ट्रेन का एंड फर्स्ट लुक यहाँ शेंज़ेन की। तो स्टे ट्यून्ड, चाइना की बहुत सारी वीडियोज़ आनी है एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।